अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. बेटे, इस वक्त पार्टिसिपेंट्स बहुत कम हैं. हम थोड़ी देर के लिए, जस्ट 5 मिनट्स के लिए उनका वेट कर लेते हैं. आज जुमा भी है ना, तो जुमातुल मुबारक की वजह से हो सकता है कुछ स्टूडेंट लेट हो जाए, तो बस उनका वेट हो रहा है. तो जैसे ही आते हैं स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं. हाँ जी बेटा, कुछ रीजनेबल स्ट्रेंथ हो गए भी. आप लोग भी देख रहे हो, ऑलमोस्ट 26 हो गए हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं, बाकी स्टूडेंट साथ में हमें ज्वाइन कर लेंगे. अच्छा, हमने कल सेज दे बुक की बेटा प्रैक्टिस की है. आज परचेसेस से रेलिवेंट एक क्वेश्चन निकालते हैं, सो दैट हमने जो प्रीवियस डिस्कस किया है वो रिवाइज हो जाए और रिवीजन होने से पिक्चर मजीद आपकी क्लियर हो जाएगी. तो उसके लिए आप लोग बुक्स में पेज नंबर 167 पे आओ. आप अपनी बुक्स में पेज नंबर 167 पे आइए. एग्जाम्पल विद द नेम ऑफ राणा ब्रदर्स. एग्जाम्पल है बेटे, उसका एग्जाम्पल टाइटल इज राणा ब्रदर्स. पेज नंबर 167 जी बेटे, आपने निकाल लिया होगा. अब जनाब स्टार्ट लेते हैं, पहले डिस्कस करते हैं, फिर जनाब इन रेलिवेंट एंट्रीज को डे बुक्स में प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे और पोस्टिंग करेंगे लेजर्स में. फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस पर्टेन टू राणा ब्रदर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2016. 5th अगस्त को आपने जनाब राणा ब्रदर्स ने क्या किया है? क्रेडिट बेसिस पे आइटम परचेज किए हैं ब्रावो ट्रेडर से ऑफ 9,50,000. बेटे क्रेडिट परचेजेस कौन से डे बुक्स में रिकॉर्ड होंगी? जनाब परचेज डे बुक में इसे रिकॉर्ड करेंगे. और कौन कौन से लेजर्स में, कौन कौन से जनरल लेजर्स में इनकी पोस्टिंग होगी? क्रेडिट परचेजेस हैं, एक तो परचेजेस के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी, सेकेंडली अकाउंट्स पेबल में ट्रांसफर करोगे. 5th अगस्त को अल्फा एंड सन से अगेन आपने आइटम्स परचेज किए हैं 4,38,000 के. तो जनाब इसकी भी पोस्टिंग हम एक तो इसे परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे और सेकेंडली जर्नल लेजर्स की बात करें तो परचेजेस के अकाउंट में और अकाउंट्स पेबल में इसे ट्रांसफर किया जाएगा. अकाउंट्स पेबल की जब बात मैं करती हूँ तो बेटे अकाउंट्स पेबल के कंट्रोल अकाउंट में भी और इंडिविजुअली अल्फा एंड सन्स के अकाउंट्स में भी ट्रांसफर होगा. फिर जनाब 8th अगस्त को ब्रावो ट्रेडर्स, जिनसे आपने कुछ आइटम्स परचेज किए थे ऑन अकाउंट, आपने उनको कुछ गुड्स रिटर्न की हैं ऑफ 60,000 रुपीज.
बेटे क्रेडिट परचेजेस को तो हम परचेज डेट बुक में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन रिटर्न्स जो होती हैं वो अलग से बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं। तो जनाब क्योंकि ये रिटर्न्स हैं तो परचेज रिटर्न डे बुक में इसे रिकॉर्ड करेंगे और परचेज रिटर्न्स को हम रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोलते हैं। अब पोस्टिंग की बात करें तो कौन कौन से अकाउंट में इसको आप पोस्ट करोगे। खरीदी हुई चीजें आप वापस कर रहे हो तो जिस तरह डे बुक सेपरेट होती है परचेजेस और परचेजेस रिटर्न्स की, इसी तरह बेटे उनके अकाउंट्स भी हम अलग से ओपन करते हैं। तो एक तो परचेज रिटर्न अकाउंट में आप इसे रिकॉर्ड करोगे, दूसरा इफेक्ट इसका अकाउंट्स पेएबल में जाएगा। फिर 9 अगस्त को चार्ली ब्रदर्स गुड्स रिसीव की हैं, मतलब परचेज की हैं अगेंस्ट एडवांस पेमेंट मेड ऑन 3rd July 2016। ये थोड़े डिफरेंट परचेजेस हैं। हमने दो तरह की परचेजेस की बात की कि बेटे क्रेडिट परचेजेस तो परचेज डेट बुक में रिकॉर्ड होंगी, अगर कैश परचेजेस हुई तो कैश पेमेंट बुक में रिकॉर्ड होंगी। अब ये परचेजेस ऐसी परचेजेस हैं, गुड्स आप खरीदो लेकिन इनकी एडवांस पेमेंट पहले हो चुकी, इसे कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए? क्या इसे हमें परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए? भाई परचेज डे बुक में तो हम वो परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं जिनके अगेंस्ट में पेमेंट करना है, जिनके अगेंस्ट में अकाउंट्स पेबल का हेड क्रिएट होता है, जिसके अगेंस्ट में लायबिलिटी इंक्रीज होती है। भाई इसके अगेंस्ट में पैसे देने नहीं, एडवांस दे दिए हुए हैं हमने। और फिर क्या इसे कैश पेमेंट बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए? क्योंकि कैश पेमेंट बुक में कैश परचेजेस हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कौन सी कैश परचेजेस? जिनके केस में आपने जब गुड्स रिसीव की उसी टाइम में कैश की पेमेंट अगर आपने की है, वो कैश परचेजेस हैं, उसे कैश पेमेंट बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ऐसी परचेजेस जिनके केस में हम एडवांस दे चुके हैं, बेटे हम ऑलरेडी एडवांस दे चुके हैं, इसका एक इफेक्ट जब एडवांस दिया होगा इसका एक इफेक्ट तब कर लिया होगा अब आपने उस एडवांस के अगेंस्ट में गुड्स रिसीव की हैं, ये इसका दूसरा इफेक्ट है। ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम बेटे जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो ना तो हम इसे परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि ये क्रेडिट परचेजेस नहीं है। क्रेडिट परचेजेस के अगेंस्ट में तो हमें पहले चीज खरीदते हैं बाद में पैसे देने होते हैं, और ना ही ये कैश परचेजेस हैं कि जनाब आपने चीज खरीदी ऑन द स्पॉट पेमेंट की, ऑन द स्पॉट इसी टाइम में अगर पेमेंट हो रही होती तो हम इसे कैश पेमेंट बुक में रिकॉर्ड करते। तो जनाब ये ना तो कैश पेमेंट बुक में आएगा ना ही क्रेडिट परचेजेस परचेज डे बुक में आएंगी, ये बल्कि ऐसी परचेजेस हैं जिनके अगेंस्ट में आप ऑलरेडी पैसे दे चुके हो, गुड्स आपने अब रिसीव की हैं। ऐसी ट्रांजेक्शंस कभी कभार होती हैं, इन्हें जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। अब इसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिट परचेजेस की एंट्री बेटे क्या होती है? जब हम ऑन अकाउंट गुड्स परचेज करते हैं हम परचेजेस को डेबिट करते हैं और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट करते हैं। कैश पे परचेज करें फिर क्या करते हैं, परचेजेस को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं। अब हमने गुड्स रिसीव अब की हैं तो जनाब हमने परचेजेस अब की हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट में हम एडवांस पैसे ऑलरेडी दे चुके, कब दिए? 3rd July को। तो जब हमने 3rd July को पैसे दिए होंगे हमने इसकी तब एंट्री क्या की होगी, पैसे दिए हैं हमने कैश को तब क्रेडिट किया होगा, डेबिट किसको किया होगा? जनाब हमने एडवांस में एक्सपेंस कर लिया, हमने अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस को अपने सप्लायर को उस वक्त डेबिट कर लिया होगा। अब हम गुड्स रिसीव कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वो जो एडवांस पेमेंट की हुई है अब हम उसे क्रेडिट कर देंगे और परचेजेस को डेबिट कर देंगे। आफ्टर देन 10th August अल्फा एंड सन्स, उनसे फिर आपने उधार चीजें खरीदी हैं तो जनाब क्योंकि ये क्रेडिट परचेजेस हैं इसे जनरल जर्नल में जाने की बजाय हम इसको परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टर देन ब्रावो ट्रेडर से फिर आप उधार खरीद रहे हो, परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ से कौन से दो जर्नल लेजर में एंट्री जाएगी? जनाब परचेजेस के अकाउंट में भी इसको इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करोगे और अकाउंट्स पेबल में भी इसको ट्रांसफर करोगे। 11th August, अब ये ट्रांजेक्शन हमने प्रीवियस किसी चैप्टर में डिस्कस किया था ये पॉइंट, अब ये दोबारा से रिपीट हो रहा है, मैं भी आपको रिपीट कर दूंगी। यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई, कैसे डिस्ट्रॉयड हुई? बाय फायर। और जो लॉस हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी से टू बी रिकवर्ड, इंश्योरेंस कंपनी वो लॉस हमारा रिकवर कर देगी, हमें इंश्योरेंस कंपनी से 79,000 मिल जाएगा। अब बेटे आपको याद है मैंने 3 सिचुएशंस बताई थी जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स बिजनेस से चली जाए, ऑनर ले जाए एज अ ड्राइंग,
लॉस हो जाए, या चैरिटी में दे दो, या कस्टमर को आप एज अ फ्री सैंपल दे दो, इन गुड्स के अंगेंस्ट में हमारी कॉस्ट रिकवर नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी गुड्स चली जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या सीखा था हमने, हम क्या करते हैं जनाब, ऐसी सिचुएशन में हम अपनी परचेजेस को कम कर लेते हैं, ऐसी गुड्स को हम अपनी परचेजेस में से माइनस कर लेते हैं। ड्राइंग्स की एंट्री पड़ी थी कि अगर ऑनर गुड्स विड्रॉ कर ले तो ड्राइंग्स डेबिट, क्रेडिट किसको किया था, परचेजेस को। आपने चैरिटी में गुड्स दे दी, डेबिट किसको किया, चैरिटी को, क्रेडिट किसको किया था, परचेजेस को। आपने जना फ्री सैंपल के तौर पे कस्टमर को गुड्स दे दी, इसमें भी पैसे नहीं आएंगे, आपकी कॉस्ट कवर नहीं होगी, आपने क्या किया था, आपने मार्केटिंग एक्सपेंस को डेबिट किया और परचेजेस को क्रेडिट किया। अब यहाँ पे भी बेटे ऐसे है, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गई बाय फायर, आपने जब खरीदी थी आपके पैसे लगे थे, आपकी कॉस्ट इंकर्ड हुई थी, लेकिन वो अब हमें रिकवर जो है एज सच नहीं हो रही, गुड्स फिजिकली डिस्ट्रॉयड हो गई, खत्म हो गई। हम क्या करेंगे जनाब, हम अपनी परचेजेस में से इसको माइनस कर देंगे। तो जनाब परचेजेस में से माइनस करने का मतलब परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगी, डेबिट किसको करें। अगर तो इंश्योरेंस कंपनी ये लॉस कवर नहीं करती, फिर ये हमारा लॉस है, हम लॉस बाय फायर को डेबिट करेंगे। और अगर इंश्योरेंस कंपनी इसको हमें दे देगी पैसे, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमने पैसे लेने हैं, वो हमारे लिए रिसीवेबल हो गई। तो जहां से पैसे लेने होते हैं उस रीजन को हम उस रिसीवेबल को डेबिट कर देते हैं, हम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे और परचेजेस को 79,000 से क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री भी कहाँ रिकॉर्ड होगी, ये भी रेकरिंग नेचर की नहीं है, ना तो क्रेडिट परचेजेस हैं, ना परचेज दे बुक में, ना परचेजेस रिटर्न्स हैं, बल्कि ऐसी ट्रांजेक्शन को हम जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो जनाब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, रेलिवेंट जर्नल में, जो स्पेसिफिक जर्नल और जनरल जर्नल, जो भी रेलिवेंट जर्नल बनता है, इन ट्रांजैक्शंस को वहां रिकॉर्ड करें, फिर जर्नल लेजर में इसकी पोस्टिंग करें, कंट्रोल अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाइए और टैली कीजिए। लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्यूशन। तो बेटे अब देखिए, मैंने जितनी ट्रांजेक्शन पढ़ ली हुई है, इसमें एक तो बुक मुझे बनानी है, परचेज डे बुक। पहले परचेज डे बुक को हम कंप्लीट कर लेते हैं बेटे। फर्स्ट वन कॉलम डेट, सेकंड कॉलम में हम अपने सप्लायर के नेम्स लिखेंगे जिनसे हमने उधार चीजें खरीदी हुई हैं। सप्लायर के नेम के बाद जनाब हमारे पास ये कॉलम अमाउंट का, रुपीस का। तो जनाब देखते हैं इस क्वेश्चन में कहां कहां हमने ऑन अकाउंट गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट बेसिस पे। एक तो बेटे हमने 5th अगस्त को परचेज की हैं, किन से परचेज की हैं, ब्रावो ट्रेडर से, ब्रावो ट्रेडर से आपने परचेज की हैं 9,50,000 की। फिर उसके बाद 5th अगस्त को ही आप जनाब अल्फा एंड सन से परचेज कर रहे हो, अल्फा एंड सन से आपने आइटम परचेज किए हैं 4,38,000। फिर से क्रेडिट परचेजेस हैं 10th अगस्त को, आपने फिर से परचेज किया है अल्फा एंड सन से, क्रेडिट बेसिस पे आइटम्स परचेज किए हैं जनाब, अमाउंट है 800,000। फिर 10th अगस्त को आपने ब्रावो ट्रेडर से आइटम परचेज किए 6,35,000 के, और जनाब अगस्त के मंथ में फर्दर क्रेडिट परचेजेस नहीं है, तो हम अपनी परचेज डे बुक को क्लोज करते हैं। जनाब परचेज डे बुक को क्लोज करते हैं, हमारे पास देखो टोटल क्रेडिट परचेजेस की अमाउंट कितनी आ रही है, लेट मी टेक द कैलकुलेटर। जी बेटे ये हमारे पास 9,50,000 प्लस किया 4,38,000, प्लस 800,000, प्लस 6,35,000, ये बेटे मेरे पास अमाउंट आ रही है 2,823,000। तो ये हमारे पास टोटल क्रेडिट परचेजेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त,
ये हमने परचेज बुक में एंट्री की, उसके बाद क्वेश्चन में मुझे याद है कुछ परचेज रिटर्न्स भी थी, तो इसका मतलब है और उनको हम रिकॉर्ड करेंगे रिटर्न डे बुक्स में, उसके बाद नेक्स्ट बुक बनेगी परचेज रिटर्न डे बुक। जी बेटे, एक कॉलम हमारे पास डेट, सप्लायर और अमाउंट। जी जनाब, हमारे पास परचेज रिटर्न्स कब हैं? 8th अगस्त। 8th अगस्त को जनाब हम ब्रावो ट्रेडर्स को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। ब्रावो ट्रेडर्स, और अमाउंट है 60,000। मजीद रिटर्न्स हमारे पास यहाँ नहीं है, तो जनाब हमारी बुक यहाँ पे क्लोज हुई। यही हमारी टोटल परचेजेस रिटर्न्स है, ये टोटल किया, ये बुक भी क्लियर। आफ्टर देन जनाब, उसके बाद देखिए, हमने कैश बेसिस पे कहीं पे भी आइटम परचेज नहीं किए। अगर कैश परचेजेस होती तो मैं कैश पेमेंट बुक को भी यहाँ ड्रॉ करती। हम चलते हैं उसके बाद, ट्रांजेक्शन्स रह कौन सी गई। इन टोटल ट्रांजेक्शन्स में दो ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे पास, एक तो वो परचेजेस हैं जो एडवांस पेमेंट के एंगेज्ड हैं, और इसके अलावा गुड्स डिस्ट्रॉय हुई हैं। ये दोनों ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड होंगी? जनरल जर्नल में। जनरल जर्नल में हम इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। एक ट्रांजेक्शन है जनाब ऑफ 9th अगस्त, इसमें क्या हुआ है? अब हम आइटम रिसीव कर रहे हैं। जब रिसीव कर रहे हैं उस वक्त परचेज का एक्सपेंस इंकर्ड हो रहा है, सो हम क्या करेंगे? परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करें जनाब? उस वक्त जो हमने एडवांस पेमेंट की हुई थी, उस एडवांस पेमेंट के एसेट को क्रेडिट कर देंगे। जब हमने एडवांस पेमेंट की थी, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी, अब हमारा हमारे सप्लायर की तरफ हक था कि हमने उसे एडवांस पेमेंट की हुई है, वो हमें गुड्स फॉरवर्ड करे। हमने एडवांस पेमेंट के एंगेज में गुड्स रिसीव करना थी, तो जनाब ये हमारा राइट था, तब ये हमारा एसेट बना। अब जब हमने गुड्स रिसीव कर ली हुई हैं, तो जनाब हमारे एसेट का बैलेंस कम हो रहा है, और एसेट जब कम होता है बेटे, उसे क्रेडिट करते हैं। और इसकी अमाउंट कितनी है हमारे पास? 5,40,000। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है ऑफ 11th अगस्त। 11th अगस्त में क्या हुआ है कि जनाब गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब देखो मैंने यहां क्या करना है, और इसमें क्या है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, बिजनेस से फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स चली गई, किसी भी रीजन की वजह से चली जाएं, तो हम क्या करते हैं, अपनी परचेजेस को कम कर लेते हैं। परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को जब भी कम करना हो बेटे, उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो मैंने क्रेडिट कर दिया, कितने से? 79,000 से। डेबिट किसको करें? अगर तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम हमारा एक्सेप्ट नहीं किया, गुड्स इंश्योर्ड नहीं थी, फिर तो ये हमारा लॉस हुआ। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं। लेकिन ये लॉस इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, गुड्स इंश्योर्ड थी, हमारा जितना भी गुड्स का लॉस हुआ इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिल जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं। इंश्योरेंस कंपनी हमारा डेटर बन गई, और डेटर को अकाउंट रिसीवेबल को हम डेबिट करते हैं। सो इंश्योरेंस अकाउंट कंपनी अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगी विद 79,000। तो जनाब इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हमने उन्हें रेलेवेंट जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया। जो परचेजेस आपकी क्रेडिट परचेजेस थी, परचेजे बुक में रिकॉर्ड हुई, कैश परचेजेस होती कैश पेमेंट बुक में रिकॉर्ड करते, परचेजेस रिटर्न को परचेजेस रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड किया। और उसके अलावा जो डिफरेंट ऐसी ट्रांजेक्शन्स थी जो कभी कभार होती हैं, जिनको ना हम स्पेसिफिक जर्नल्स में, जिनको हम डे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उन्हें जनरल जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। तो जनाब हमने पहला काम किया इस क्वेश्चन में, अपना बुक कीपिंग का काम किया, रिकॉर्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया।
अब उसके बाद हम रेलिवेंट अकाउंट्स में इसको ट्रांसफर करेंगे। तो जनाब रेलिवेंट अकाउंट्स कौन कौन से होंगे, तो देखिए हमारे पास हामिद, एक मिनट, अच्छा जनाब हामिद का क्वेश्चन ले लें यहाँ पे। जी हामिद वालेकुम अस्सलाम। मैम जो भी हम क्रेडिट बेस पे करेंगे वो हमेशा डे बुक्स में जाएंगी, और जो क्रेडिट बेस पे नहीं होंगी वो हम जनरल में लेके जाएंगे। जो कैश परचेजेस होंगे जिनमें गुड्स का जब एक्सचेंज हो रहा है सेम टाइम में कैश का एक्सचेंज हो रहा है चीज आप, मैम वो भी डे बुक में जाएंगे। वो हाँ वो कैश पेमेंट बुक डे बुक। यस मैम। और मैम मैंने आपसे पूछना ये था कि जो आप एक्सपेंस आप कर रही हैं, अब एक्सपेंस को आप क्रेडिट कर रही हैं सिर्फ, तो मैम ये रूल में सिर्फ ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक्सपेंस, ये नहीं, ये ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट नहीं होगा। हमारी परचेजेस तो ज्यादा है ना, कौन सा सारी चीजों का लॉस हो गया बेटे, हमने तो बहुत सारी, देखो टोटल परचेजेस मेरी 2.8 मिलियन 28 लाख की थी, और उसमें से अगर 79,000 का लॉस भी हो गया, परचेजेस को क्रेडिट भी कर दिया, परचेजेस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट ही रहेगा। ये तो तब होगा कि जनाब क्रेडिट कभी हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा पॉसिबल है कि चलो फर्ज करो सारी की सारी चीजों का लॉस हो गया, मैंने 79,000 ही चीजें खरीदी थी, 79,000 की चीजों का लॉस हो गया, पहले मैंने 79,000 से परचेजेस को डेबिट किया, फिर मैंने 79,000 से परचेजेस को क्रेडिट किया, परचेजेस फिर भी क्रेडिट नहीं होंगी, जीरो हो जाएंगी। क्रेडिट तब होंगी अगर ऐसा हो किसी की चोरी भी की हुई चीजें हमारे पास पड़ी हुई थी और जनाब वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गई, परचेजेस की एंट्री करी कोई नहीं थी क्योंकि खरीदी नहीं थी, तो अब लॉस हो गया, हमने लॉस में परचेजेस को क्रेडिट कर दिया, तब पॉसिबल है कि परचेजेस क्रेडिट हो जाए, अदरवाइज वो कभी क्रेडिट नहीं होंगे। अब तो आपने परचेज को क्रेडिट किया है। हाँ किया है, लेकिन आप परचेज का अकाउंट जब बनाओगे ना, देखो अभी मैं आपके सामने बनाऊंगी, परचेजेस कभी भी क्रेडिट नहीं होंगे ट्रायल बैलेंस में, उसका जो टोटल क्लोजिंग बैलेंस। नहीं मैम ट्रायल बैलेंस नहीं, ट्रायल बैलेंस तो हमेशा वो डेबिट रहेंगी, एसेट और एक्सपेंस। मैं वैसे ही यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने परचेज को क्रेडिट किया है। हाँ, इसलिए याद है प्रीवियस किसी चैप्टर में हमने ये बात फाइनलाइज की थी कि जब भी बिजनेस से फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स चली जाएंगी हम अपनी एक्सपेंसेस को कम कर देंगे, हम अपना, हम कहेंगे ये चीज खरीदी नहीं थी, हम अपनी परचेजेस में से उन्हें निकाल देंगे। लेकिन मैम अगर ये इंश्योरेंस कंपनी अगर मैं पे नहीं करती तो फिर मैंने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करने की बजाय बेटे लॉस को डेबिट कर देना था। ठीक हो गया। अब जब इंश्योरेंस कंपनी को मैंने डेबिट किया ना, इसका मतलब क्या, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आने हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी से जब पैसे आएंगे तो बेटे हामिद मैं क्या करूंगी, पैसे आएंगे कैश को डेबिट करूंगी और मेरा इंश्योरेंस कंपनी का जो रिसीवेबल है वो कम होगा, उसको मैं क्रेडिट कर दूंगी। यस मैम। क्लियर हो गया बेटे? यस मैम क्लियर। ओके थैंक यू मैम। यू वेलकम। अच्छा बेटे अब देखें पहली स्लाइड आपके सामने है, हमने जनाब परचेज डे बुक में एंट्रीज को रिकॉर्ड किया, अब ये जर्नल एंट्री, इस जर्नल से कौन कौन से अकाउंट में इंफॉर्मेशन जाएगी। देखो एक चीज क्लियर है कि जनाब ये जो टोटल परचेजेस हैं 2.823 मिलियन की, इनका डबल इफेक्ट आगे जाएगा, तो डबल इफेक्ट का मतलब है कि दो अकाउंट्स में पोस्टिंग होगी। कौन कौन से दो अकाउंट्स में पोस्टिंग होगी हम पहले डिस्कस करते हैं, बाद में अकाउंट ओपन करते हैं। एक तो बेटे ये अमाउंट जाएगी परचेजेस के अकाउंट में, परचेज के जर्नल से परचेज के लेजर में ये अमाउंट जाएगी, पोस्टिंग करनी है ना, जर्नल से इंफॉर्मेशन सारी लेजर्स की तरफ जाती है। दूसरा क्योंकि उधार खरीदा हुआ है इसलिए इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, अकाउंट्स पेबल के अकाउंट में। अब भाई अकाउंट्स पेबल की जहां बात करें तो वो आपके कंट्रोल अकाउंट भी होते हैं, तो जनाब कंट्रोल अकाउंट में भी इंफॉर्मेशन जाएगी और इसके अलावा अकाउंट्स पेबल के इंडिविजुअल अकाउंट में भी इंफॉर्मेशन जाएगी। लेकिन फर्क क्या है, कंट्रोल अकाउंट में हमेशा टोटल जाता है और इंडिविजुअल अकाउंट्स में इंडिविजुअल अमाउंट्स जाएंगे। तो जनाब हमने ये दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, लेजर्स फाइंड आउट कर लिए कि परचेज डे बुक से इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ ट्रांसफर होती है। तो भाई परचेज डे बुक से इंफॉर्मेशन परचेजेस के अकाउंट में जाएगी और अकाउंट्स पेबल के अकाउंट में जाएगी, और जहां तक अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल की बात है, जितने भी कस्टमर्स और जितने भी सप्लायर्स होते हैं हम उनका टोटल अकाउंट भी बनाते हैं और उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स भी बनाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट डे बुक कौन सी है हमारे पास, नेक्स्ट डे बुक है हमारे पास परचेज रिटर्न डे बुक। ये इंफॉर्मेशन हम कहाँ कहाँ ट्रांसफर करेंगे, एक तो बेटे परचेज रिटर्न के अकाउंट में ये अमाउंट जाएगी, परचेज रिटर्न
अकाउंट में ये इंफॉर्मेशन जाएगी. सेकेंडली जब चीज खरीदते हैं तो अकाउंट्स पेएबल लायबिलिटी का बैलेंस बढ़ता है, तो जब खरीदी हुई चीज वापस कर देंगे तो अकाउंट्स पेएबल की लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसका दूसरा इफेक्ट अकाउंट्स पेएबल के अकाउंट में जाएगा. और जब अकाउंट्स पेएबल की बात होगी तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट कंट्रोल अकाउंट में भी जाएगा और इंडिविजुअल अकाउंट में भी जाएगा. हैंडराइटिंग समझ लीजिएगा, इस बोर्ड पे ऐसी ही राइटिंग आती है. उसके बाद नेक्स्ट जर्नल कौन सा है, उसके बाद जनाब जनरल जर्नल है. जनरल जर्नल का फॉर्मेट ऐसा होता है कि वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जनाब 5,40,000 की बात करें तो ये हम परचेजेस के अकाउंट में भी ट्रांसफर करेंगे और एडवांस पेमेंट के अकाउंट में भी ट्रांसफर होगा. फिर 79,000 की अमाउंट की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट की 79,000 की अमाउंट डेबिट साइड पे ट्रांसफर होगी और परचेजेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे. तो जनाब ये हमने टी अकाउंट्स लेजर्स आइडेंटिफाई कर लिए, अब चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं. अब हम लेजर्स में पोस्टिंग करने जा रहे हैं. लेजर्स अकाउंट जी, सबसे पहले परचेजेस अकाउंट. परचेजेस अकाउंट के साथ ही अकाउंट्स पेबल के अकाउंट, या चलिए वो नेक्स्ट पेज पे मैं जाके बनाऊंगी. परचेजेस अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं जनाब कितनी कितने आइटम्स हमने परचेज किए. फर्स्ट स्लाइड, तो जनाब हमारी परचेजेस हैं 2,823,000 की, तो परचेजेस अकाउंट की कौन सी साइड पे आएंगी, डेबिट साइड पे 2,823,000, और अकाउंट टाइटल क्या लिखेंगे, अकाउंट्स पेबल. चलिए हम मजबूरी अकाउंट्स पेबल का कंट्रोल अकाउंट भी यहीं ओपन कर लेते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट में नेक्स्ट पेज पे ओपन करूंगी. अब ये अमाउंट परचेसेस की डेबिट साइड पे है, कंट्रोल अकाउंट की कौन सी साइड पे होगी, क्रेडिट साइड पे, और टाइटल वहां हम क्या यूज करेंगे, परचेसेस. अमाउंट है 2,823,000. अब जनाब कंट्रोल अकाउंट के साथ साथ हमने इसे इंडिविजुअल अकाउंट में भी रिकॉर्ड करना है, तो चलिए इंडिविजुअल अकाउंट भी ओपन करते हैं. इंडिविजुअल अकाउंट्स, चलें हमारे सप्लायर कौन कौन से थे. इंडिविजुअल अकाउंट एक तो ब्रावो ट्रेडर्स का, और जनाब उसके बाद है अल्फा एंड सन्स, तो उसके बाद है जनाब चार्ली ब्रदर्स, चार्डी ब्रदर्स से तो एडवांस था, चलें इसका हम अकाउंट ओपन नहीं करेंगे. हमारे दो ही इंडिविजुअल सप्लायर्स हैं, तो जनाब इसमें एंट्री पोस्ट करते हैं. ब्रावो ट्रेडर्स से हमने 5 अगस्त को आइटम परचेज किए 9,50,000 के, तो ये मैंने क्रेडिट कर दिए, और टाइटल क्या है, परचेजेस. फिर ब्रावो से हमने फर्दर परचेज किए हैं जनाब 6,35,000 के, परचेजेस. आफ्टर देन ब्रावो को हमने कुछ गुड्स रिटर्न भी की थी, तो चलो रिटर्न के मैं लेजर में जाऊंगी तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एंट्री पास करवा दूंगी. फिर अल्फा एंड सन्स की तरफ आइए, तो अल्फा एंड सन्स से हमने ऑन अकाउंट गुड्स परचेज की थी 4,38,000, परचेजेस. अभी एक ही डे बुक की एंट्रीज को मैं ट्रांसफर कर रही हूँ. फिर उसके बाद अल्फा का मजीद देखिए 10 अगस्त को 8,00,000 की हैं आइटम्स, परचेजेस. अब मैं दोबारा से जनाब अपनी परचेज डे बुक की तरफ जा रही हूँ. ये देखिए
अब मैंने ये चारों इंडिविजुअल अमाउंट्स, ब्रावो की अमाउंट्स हैं 9,50,000 एंड 6,35,000 ये मैंने ब्रावो के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, 4,38,000 एंड 800,000 जो है वो अल्फा एंड सन्स में ट्रांसफर कर दी. इंडिविजुअल अमाउंट्स इंडिविजुअल अकाउंट्स में चली गई, जो टोटल अमाउंट थी वो मैंने परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पे और अकाउंट्स पेएबल कंट्रोल की क्रेडिट साइड पे लिख दिया. तो एक डे बुक की पोस्टिंग कंप्लीट हुई, एक डे बुक की पोस्टिंग हमारी कंप्लीट हुई. इसी तरह अब हम सेकंड डे बुक की तरफ चलते हैं. सेकंड डे बुक हमने कौन सी ओपन की थी बेटे? परचेज रिटर्न डे बुक. इसका देखिए इफेक्ट कहां कहां आएगा. परचेज का रिटर्न अकाउंट हम ओपन करेंगे, वहां इसकी एंट्री होगी, परचेजेस डेबिट होती हैं और परचेज रिटर्न को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं. अकाउंट्स पेएबल, जब चीज खरीदते हैं उसका बैलेंस बढ़ता है, अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट करते हैं. अब क्योंकि परचेज रिटर्न्स हैं उससे लायबिलिटी कम होगी, अकाउंट्स पेएबल के अकाउंट्स को हम डेबिट करेंगे. जब लेकिन जब अकाउंट्स पेएबल की बात होगी तो टोटल कंट्रोल के अकाउंट में भी इसको पोस्ट करेंगे और ब्रावो के इंडिविजुअल अकाउंट में भी इसको पोस्ट करेंगे. तो चलिए अब 60,000 की पोस्टिंग कंप्लीट करते हैं. यहाँ परचेज रिटर्न का अकाउंट ओपन करते हैं. परचेज रिटर्न अकाउंट, तो जनाब परचेजेस रिटर्न्स कितने की हैं? 60,000 की हैं. तो मैंने 60,000 को क्रेडिट किया विद द टाइटल ऑफ अकाउंट्स पेएबल अकाउंट और अकाउंट्स पेएबल के कंट्रोल अकाउंट को डेबिट किया 60,000 से विद द टाइटल ऑफ परचेज रिटर्न्स. अब उसके अलावा इंडिविजुअल अकाउंट में भी इसका इफेक्ट देना है. तो जनाब ये गुड्स रिटर्न किसको की है? हमने ब्रावो को, तो ब्रावो के अकाउंट में भी इसको ट्रांसफर होना है डेबिट साइड पे 60,000 परचेज रिटर्न. हमारी सेकंड डे बुक की पोस्टिंग भी कंप्लीट हो गई. उसके बाद अब हमने पोस्टिंग करनी है किन की? जनरल जर्नल की. तो 9th अगस्त को जो हमने एंट्री पास की है जनरल जर्नल में, इनके रेलेवेंट अकाउंट्स में इनको ट्रांसफर करते हैं, परचेजेस के अकाउंट में डेबिट करेंगे 5,40,000. 5,40,000 है परचेजेस अगेंस्ट एडवांस, ये डेबिट किया. अब 5,40,000 का दूसरा इफेक्ट एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट में, तो एडवांस पेमेंट का अकाउंट मैं यहां ओपन करती हूं. एडवांस पेमेंट अकाउंट, एडवांस पेमेंट अकाउंट की कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे 5,40,000. टाइटल क्या देंगे? ऑपोजिट अकाउंट टाइटल परचेजेस अकाउंट. हमारी जनरल जर्नल की सेकंड ट्रांजैक्शन पोस्ट हुई. अब जनाब उसके बाद 11th अगस्त की सेकंड एंट्री फ्रॉम जनरल जर्नल, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट ओपन करना होगा, वहां 79,000 को डेबिट करेंगे. इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 79,000 हमने इस अकाउंट में डेबिट करना है. ऑपोजिट अकाउंट टाइटल देना है और ऑपोजिट अकाउंट टाइटल क्या है? परचेजेस. और परचेजेस के अकाउंट को जनाब हम क्रेडिट कर देंगे. ये लीजिए 79,000 से क्रेडिट किया, ऑपोजिट अकाउंट टाइटल इंश्योरेंस कंपनी. तो जनाब ये हमारी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई तमाम ट्रांजैक्शंस की. उसके बाद डू यू रिमेम्बर कि क्या किया करते हैं बेटे? हम अपने अकाउंट्स को, लेजर्स को क्लोज करते हैं और बैलेंसिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं. तो चलिए इनका बैलेंसिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं. सबसे पहले परचेज अकाउंट, ये है जनाब हमारे पास 2,8,23,000 प्लस 5,40,000, टोटल हुआ मेरे पास 3,363,000. माइनस किया 79,000, ये बेटे मेरे पास अमाउंट आ रही है 3,284,000. ये मेरे पास परचेजेस का क्लोजिंग बैलेंस जो कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे जाएगा. अकाउंट्स पेएबल के कंट्रोल अकाउंट की तरफ चलें तो जनाब 2,823,000 ये वैल्यू ज्यादा है. ये मैंने टोटल में बोथ साइड पे लिख दी 2,823,000. माइनस करते हैं जनाब
2823000 में से हम माइनस करेंगे 60,000 को, ये अमाउंट हमारे पास आती है 2763000, ये कैरेट डाउन है। अब उसके बाद परचेज रिटर्न अकाउंट 60,000, तो जनाब ये 60,000 का हमारे पास कैरेट डाउन। जहां तक बात है एडवांस पेमेंट की, तो बेटे एडवांस पेमेंट जब हमने की होगी तब ये अकाउंट ओपन किया होगा, तब इसमें बैलेंस ऑटोमेटिकली डेबिट साइड पे आ रहा होगा। जब हमने पेमेंट की होगी, एडवांस पेमेंट को डेबिट किया होगा और कैश को क्रेडिट किया होगा, 5,40,000 इसकी डेबिट साइड पे आ रहा होगा। अंडरस्टूड बात है कि जनाब एडवांस पेमेंट की है, अब पैसे नहीं आए, इसीलिए तो मुझे अब फ्यूचर में ना तो मैंने अब पैसे दिए और ना मैंने फ्यूचर में इसके अगेंस्ट में पेमेंट करनी है। सो जब एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट में चीज मिल जाती है तो अकाउंट का बैलेंस ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं डेबिट साइड पे बिगनिंग बैलेंस नहीं लिख रही, इसको मैं क्लोज ही नहीं करती। बट कीप इन माइंड कि जब एडवांस पेमेंट करते हैं उस वक्त ही बैलेंस इसमें 5,40,000 का आ रहा होगा। तो बेटे एडवांस पेमेंट की और उसके अगेंस्ट में हमें चीज मिल गई, इसका अब कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं रहा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जनाब। अब इंडिविजुअल अकाउंट्स की तरफ चलें, तो चलिए ब्रावो को पहले कंप्लीट करते हैं। बेटे ये हमारे पास 9,50,000 प्लस 6,35,000 टोटल किया हमारे पास 1,585,000। कैरेट डाउन कितना आ रहा है इनका, इसमें से माइनस किया हमने जनाब 60,000 को, इसका कैरेट डाउन आ रहा है 1,525,000। अल्फा एंड सन्स की तरफ चलें, 800,000 प्लस 438,000 टोटल किया हमारे पास 1,238,000। तो यही हमारे पास कैरेट डाउन है 1,238,000। इंश्योरेंस कंपनी से अभी पैसे आने हैं, तब तक इसका बैलेंस स्टैंड करेगा कितना, कैरेट डाउन 79,000। जब इनसे भी पैसे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली इसका अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अब आपको अगर याद हो तो बेटे जहां पे इंडिविजुअल एंड कंट्रोल अकाउंट बनाए जाते हैं पैरेलल, तो हम हमेशा एंड पे बैलेंस कर लेने के बाद लिस्ट बनाते हैं इंडिविजुअल बैलेंसेस की, लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट। तो जनाब दो ही सप्लाइड थे हमारी इस एग्जांपल में, एक है ब्रावो, उसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 1,525,000, और उसके बाद है हमारे पास अल्फा, अल्फा का बैलेंस आ रहा है 1,238,000। टोटल देखो हमारे पास कितना हुआ, प्लस 1,525,000 किया, ये बेटे मेरे पास आ रहा है 2,763,000। इसको किसके इक्वल होना चाहिए, दिस टोटल मस्ट, टोटल ऑफ द लिस्ट मस्ट बी इक्वल टू द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कंट्रोल अकाउंट। और अकाउंट्स पेबल का कंट्रोल अकाउंट हमें क्या बता रहा है, देखिए कंट्रोल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी यही आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारी पोस्टिंग ठीक है, कोई एरर नहीं है। तो जब हमें कंफर्म हो जाता है कि कोई एरर नहीं है, बैलेंस मैच कर रहा है, तो फिर बेटे हम क्या करते हैं, इस क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर लेते हैं। आई थिंक आपकी काफी हद तक पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि जनाब किस डे बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इन ट्रांजेक्शन को चाहे हम डे बुक्स में रिकॉर्ड करें या जनरल जर्नल में, डे बुक्स भी तो आपका जर्नल है ना, वो स्पेसिफिक जर्नल है, तो चाहे स्पेसिफिक जर्नल में रिकॉर्ड करें या इंडिविजुअल आप जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करें, उसके बाद लेजर्स में पोस्टिंग करनी है। तो जब लेजर्स की बात आएगी तो आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उनके अकाउंट रिसीवेबल जो है, उनका कंट्रोल अकाउंट भी, टोटल अकाउंट भी ओपन किया जाता है, उनके इंडिविजुअल अकाउंट को भी ओपन करते हैं, इसी तरह सप्लायर के लिए अकाउंट्स पेएबल के ऑपोजिट करते हैं। तो जनाब आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आप एक काम कीजिएगा, आपको एक असाइनमेंट मैं दे रही हूँ, खुद से कोशिश कीजिएगा,
अगर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। सिंपल सी कोई एग्जांपल लेते हैं जो आपके लिए इजी टू हैंडल हो। चलिए कोशिश कीजिएगा। एग्जांपल गिवन है पेज नंबर 169 पे, गुल ब्रदर्स। एग्जांपल का टाइटल है गुल ब्रदर्स, पेज नंबर 169। इसमें सेल्स और परचेजेस को उसने अकाउंट फॉर किया हुआ है। जनाब आपको ये लिखना है। अच्छा अब आप आओ, मुझे याद आया कि हमने कल के लेक्चर में डिस्काउंट डिस्कस कर रहे थे, उसकी ट्रांजैक्शंस को हमने जो है वो नोट डाउन नहीं किया था, उसके इफेक्ट्स रह गए हुए थे। तो अपने डिस्काउंट को कंप्लीट करते हैं, डिस्काउंट की डिस्कशन को। तो बेटे हमने हफ्सा जी, बेटे मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जी हफ्सा, हफ्सा दोबारा से हैंड रेज करो। नो रिस्पांस। जी हफ्सा बेटा। मैम ये वाला मैंने पॉइंट पूछना था, वो इंश्योरेंस कंपनी वाला। जी पूछिए। मैम उधर हम कैश का कौन करेंगे मैम? बेटे वो स्टेटमेंट पढ़ो, वहां लिखा हुआ है टू बी रिसीव। टू बी का मतलब है कि अभी रिसीव हुआ नहीं, रिसीव हो जाएगा। अगर रिसीव हो गया होता फिर इंश्योरेंस कंपनी को लिखने की जरूरत नहीं थी, हम डेटर का नेम नहीं लिखते, हम फिर कैश का वर्ड लिख लेते कि कैश आ गया है। वहां लिखा हुआ है टू बी कि अभी आना है, आया नहीं है, जब आएगा कैश तो तब डेबिट करेंगे। ओके मैम, अगर आ गया कैश, मतलब हम सपोज कर लेते कि कैश आ गया, तो कैश को डेबिट करेंगे, तो फिर मैम क्रेडिट किसे करेंगे? क्रेडिट तो परचेजेस को ही करना है, डेबिट का रोल है किसको करें मैम? क्रेडिट वो जो परचेजेस हैं ये ऑलरेडी क्रेडिट नहीं है, क्योंकि परचेजेस तो चले गई हैं। परचेज जब गुड्स खरीदते हैं ना बेटे, तब परचेजेस को हम डेबिट करते हैं। चीजें खरीदी हुई थी ऑलरेडी, परचेजेस को हम डेबिट कर चुके थे उन चीजों के अगेंस्ट में, खरीद चुके थे, डेबिट कर चुके थे, बाद में लॉस हो गया हमारा, बाद में वो गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस में से चली गई। तो ऐसी सिचुएशन में परचेजेस को हमने क्रेडिट करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेबिट हुई नहीं थी। अब हमने क्रेडिट करके परचेजेस में से उन गुड्स को निकाल दिया। मैम वो बात ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि फर्स्ट स्टेप में हमने ये कहा कि हमें कैश मिल रहे हैं, तो मैम उसमें हमने कहा कि परचेजेस चले गई हैं। मैम सेकंड स्टेप में अगर कैश मिल गया तो तब भी हम यही कहेंगे? नहीं नहीं, सेकंड स्टेप में नो बेटे, जब इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसे आएंगे ना, तो हमने कैश को तब डेबिट करना है, फिर क्रेडिट पता है किसको करना है? जी मैम, मैं यही पूछ रही हूं, कंपनी को क्रेडिट करना है। ओके ठीक है। अब देखो जैसे आप जब चीज बेचते हो, उधार बेचते हो, आप एंट्री क्या करते हो? आप अपने डेटर को, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हो, सेल्स को क्रेडिट करते हो ना। और जब आप अपने कस्टमर से पैसे लेते हो तो कैश को डेबिट करते हो, सेल्स को दोबारा क्रेडिट नहीं करते। आप क्या करते हो? जहां से कस्टमर से, अकाउंट रिसीवेबल से पैसे आ रहे होते हैं उसको क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने जब क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कहा कि हम आपको पैसे दे देंगे, हमने इंश्योरेंस कंपनी को एज अ रिसीवेबल, एज अ डेटर बुक कर लिया, उसको डेबिट कर दिया। अब जब पैसे आएंगे तो मैं कैश को डेबिट करूंगी और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करूंगी, उस अकाउंट रिसीवेबल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट करूंगी। ठीक है मैम, ये पूछना था सिक्स्थ स्टेप। ठीक है, ओके बेटा, गुड। गर्ल्स कभी क्वेश्चन रेज नहीं किया, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छी बात है। आई एम हैप्पी फॉर यू पीपल। चलें जनाब, और कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ दीजिए, फिर मैं अपने डिस्काउंट की डिस्कशन को कंप्लीट करती हूँ। चलें जनाब, हम अपने डिस्काउंट की डिस्कशन की तरफ चलते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं फर्दर आया। बेटे डिस्काउंट की हम बात कर रहे थे, डिस्काउंट बेसिकली है क्या? प्राइस में जो रिडक्शन है उसे बोलते हैं डिस्काउंट। दो तरह का डिस्काउंट होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट, जिसको हम इसके अलावा क्या नाम दिया था, सेटलमेंट डिस्काउंट का नाम दिया था। अच्छा बेटे, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों रिकॉर्ड नहीं करते? क्योंकि जब हम एंट्री पास करते हैं तो ऐसी अमाउंट से एंट्री पास करते हैं जिसमें से ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो चुका होता है। ट्रेड डिस्काउंट कौन सी ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट होता है? ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड के अंगेंस्ट होता है। ट्रेड कहते हैं तिजारत को, तिजारत होती है एक्सचेंज ऑफ गुड्स,
एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, जब चीजों की खरीदो फरोख्त हो रही होती है उस टाइम में किसी भी रीजन की वजह से जो डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। अब वो खरीदो फरोख्त चाहे क्रेडिट बेसिस पे हो चाहे कैश बेसिस पे हो, इसका मतलब है कि ट्रेड डिस्काउंट कैश ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट भी होता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट भी होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि हम ऐसी अमाउंट से अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिस अमाउंट में से ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो चुका होता है। ओके जी, आफ्टर देन दूसरी तरफ बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। बेटे कैश डिस्काउंट बेसिकली हम अपने क्रेडिट कस्टमर को ऑफर करते हैं टू रिकवर द अमाउंट एज अर्ली एज पॉसिबल फ्रॉम कस्टमर। हमें अपने कस्टमर से जल्दी अगर पैसे चाहिए, हमें बहुत जल्दी चाहिए, जितनी एज अर्ली एज पॉसिबल जितना जल्दी हम उनसे ले सकते हैं, उसके लिए अर्ली रिकवरी ऑफ कैश के लिए जो फर्दर डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, बट कीप इन माइंड just to credit customers, just against the credit transaction, वो credit transaction, credit sales, credit purchase both हो सकती है। तो जनाब हम credit transaction के against में जो discount offer करते हैं that is, और जिसके behind reason सिर्फ एक ही, और वो reason सिर्फ एक ही क्या है? Early recovery of cash। तो ऐसे discount को हम settlement discount या फिर cash discount बोलते हैं। ओके जी, ये हो गया। अब discount हमने कहा था दो, इसे books of accounts में record किया जाता है, और कैसे रिकॉर्ड किया जाता है अभी सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से हम बात करेंगे। अब डिस्काउंट ये दो तरह का है, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। तो चलिए इसको समझने के लिए और इसकी एंट्रीज क्या होंगी एक सिंपल सी हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स to Mr. B having a list price of 11,000, चलें और सिंपल कर लेते 10,000 करते। ओके जी, अब उसके अलावा वो क्वेश्चन में क्या बता रहा है? वो क्वेश्चन में बोलता है डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन देता है, ट्रेड डिस्काउंट भी बता रहा है क्वेश्चन में। चलें जनाब, वो कहता है 10%। उसके बाद वो क्वेश्चन में बताता है कैश डिस्काउंट है 5%। अच्छा, अब कैश डिस्काउंट के साथ एक ना टर्म आती है, उसे कहते हैं डिस्काउंट टर्म। ये डिस्काउंट टर्म यूज होती है स्पेसिफिकली फॉर कैश डिस्काउंट। ये टर्म यूजली यूं लिखी जाती है, एक एग्जांपल लेते हैं, चलें 5% के अकॉर्डिंगली मैं बात करती हूँ, 5/10 × n/30। ये टर्म मुझे क्या बता रही है? ये टर्म जनाब मुझे ये बता रही है इसमें जो पहली रेशो है उसका जो न्यूमिरेटर है वो बेटे कैश डिस्काउंट की परसेंटेज को शो कर रहा है। कैश डिस्काउंट परसेंटेज को शो करता है, और जो डिनोमिनेटर है फर्स्ट प्रोपोर्शन में, फर्स्ट रेशो में, वो जनाब डिस्काउंट टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जनाब ये मैंने क्या लिखा, इसको और सिंपल करते हैं कि जनाब हम अपने कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं कि उससे 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर वो विद इन 10 डेज हमें पेमेंट कर देता है। तो 5% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए कस्टमर हैज टू पे विद इन 10 डेज। तो जनाब डिस्काउंट अवेल कितने टाइम पीरियड में किया जा सकता है? वो इस टर्म का जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है उसके डिनोमिनेटर में डेज लिखे हुए और न्यूमिरेटर में कैश डिस्काउंट की परसेंटेज है। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रोपोर्शन की तरफ चलते हैं। इसमें n स्टैंड करेगा नेट के लिए और 30 ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल क्रेडिट टाइम पीरियड। मेरा ख्याल है ये डिस्कशन आज भी रह जाएगी, टाइम कम है और मुझे इसके लिए टाइम ज्यादा चाहिए। चलो जितना भी डिस्कस कर सके, ये इंपॉर्टेंट है, ऑनवर्ड ये चीज भी आपको बहुत हेल्प करेगी नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो साथ रहिएगा और कल के लेक्चर में भी टाइम पे आइएगा।
अच्छा देखो बेटे, अब ये मैंने इस डिस्काउंट टर्म के सेकंड पोर्शन में क्या लिखा, जो एन लिखा हुआ है स्मॉल एन, ये रिप्रेजेंट करेगा नेट और उसका डिनोमिनेटर डेज, लेकिन कौन से टोटल क्रेडिट टाइम पीरियड, मतलब कस्टमर को जो हमने टोटल टाइम पीरियड दिया हुआ है 100% पेमेंट करने के लिए, वो हमने 30 डेज का टाइम पीरियड दिया हुआ है कि भाई आप हमसे उधार चीज खरीद लीजिए, आपको मैक्सिमम विद इन 30 डेज यू हैव टू पे। तो भाई 30 डेज में तो पेमेंट करना ही है, हाँ अगर 10 डेज में पेमेंट कर देगा तो उसे 5% डिस्काउंट मिलेगा। ये इस डिस्काउंट टर्म की इंटरप्रिटेशन है और ये डिस्काउंट टर्म हमेशा यूज होती है फॉर कैश डिस्काउंट। अब जनाब हम इनकी कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। मिस्टर ए ने गुड सेल की है मिस्टर बी को, इसका मतलब है ये मिस्टर ए की सेल्स हैं और मिस्टर बी के लिए क्या है, परचेजेस हैं। अब जहां तक बात है बेटे लिस्ट प्राइस की, लिस्ट प्राइस ऐसी प्राइस होती है जिसमें से किसी किस्म का डिस्काउंट डिडक्ट नहीं हुआ होता, ना ट्रेड डिस्काउंट और ना ही कैश डिस्काउंट, उसे उस प्राइस को बोलते हैं लिस्ट प्राइस जो कि कस्टमर ने ऑफर की होती है। हमारी एग्जाम्पल में वो कितनी है, 10,000 है। अब जब डिस्काउंट की बारी आती है तो बेटा जी अच्छा इसमें एक और चीज आप लोग सपोज कर लीजिएगा कि जनाब उसने गुड्स जो सेल किए ऑन अकाउंट की, क्योंकि अगर कैश को एज्यूम करेंगे तो कैश ट्रांजैक्शंस में ऑन अकाउंट का मतलब है ऑन क्रेडिट, क्योंकि अगर मैं इसे कैश ट्रांजैक्शन सपोज करूंगी तो बेटे फिर कैश ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट नहीं आएगा, सिर्फ क्रेडिट डिस्काउंट अकाउंट फॉर होगा। तो जनाब लिस्ट प्राइस एक ऐसी प्राइस है जिसमें से किसी किस्म का भी डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ होता, उस प्राइस को हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस जो कि आपको रिटेलर ऑफर करता है। अब इस प्राइस में हम सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करते हैं और बाद में वर्किंग होती है कैश डिस्काउंट। तो जनाब हम पहले इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला हमें, 10% जनाब, 10% 10,000 का कितना बना, 1,000। तो जनाब जो प्राइस मुझे पे करना है विद इन 30 डेज वो 9,000 है, ये मेरा बिल बना है, ये मुझे पे करना है, ये मेरी इनवॉइस वैल्यू है, या इसे बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस देखो अब आपको क्लियर हो गया होगा, इनवॉइस कहते हैं बिल को, बिल के ऊपर जो प्राइस लिखी जाती है वो प्राइस होती है जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट हो चुका होता है। तो लिस्ट प्राइस में से हम सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो बिल के ऊपर मेंशन की जाती है, उस प्राइस को हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, और इनवॉइस प्राइस से हम अपनी एंट्री को, सेल एंड परचेज की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। अब उसके बाद कैश डिस्काउंट, अगर हमारे कस्टमर ने 10 डेज के बाद पेमेंट की तो उसे 9,000 पे करना होगा, अगर कस्टमर ने 10 डेज के बाद पेमेंट की तो उसे जनाब 9,000 पे करना होगा, अगर विद इन 10 डेज पेमेंट कर देता है तो उसे मजीद डिस्काउंट मिलेगा, और वो मजीद कैश डिस्काउंट वो मैक्सिमम हमसे कितना अवेल कर सकता है कैश डिस्काउंट के लिए, देखो मैंने डिस्काउंट टर्म क्या एज्यूम की हुई है, 5/10। कैश डिस्काउंट के लिए जनाब उसे पेमेंट करना होगी विद इन 10 डेज, तो वो अगर विद इन 10 डेज पेमेंट करता है तो उसे कितनी पेमेंट करना पड़ेगी, कैश डिस्काउंट हम इस अमाउंट में से डिडक्ट कर देते हैं, और कैश डिस्काउंट हमने कितना सपोज किया हुआ है 5%, तो आप इसका 5% लोगे, ये आपके पास बनता है 450। तो जनाब अगर कस्टमर पेमेंट करता है आफ्टर 10 डेज तो उसे 9,000 की पेमेंट करना है, और अगर विद इन 10 डेज करता है उसे मजीद 450 का डिस्काउंट मिलेगा, तो फिर उसे 8,550 पे करना है। इन दोनों सिचुएशन में हम जनाब जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सेलर की बुक्स में और बायर की बुक्स में, ये बेटे टाइम बहुत शॉर्ट है, ये कल डिस्कस करेंगे, मुझे हामिद रिमाइंड करवाइएगा, ये वैल्यूज अपने पास रखिएगा, कल मैं आपसे वैल्यूज लूंगी। यहां तक कोई क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए, नो मोर क्वेश्चन, ओके जी बेटा मुगीज जी, वालेकुम अस्सलाम मैम, ये इंडिविजुअल अकाउंट का जरा समझ नहीं आ रही, कौन सी चीज क्रेडिट करेंगे कौन सी डेबिट करेंगे इंडिविजुअल अकाउंट में। चलें आप मेरे साथ रहिएगा, मैं अपनी प्रीवियस स्लाइड्स की तरफ जाती हूँ। ये देखो परचेज बुक इस वक्त सामने शो हो रही है आपको, यस। अच्छा अब इसमें देखो बेटे जो टोटल अमाउंट है
2.823 मिलियन की 28,23,000 की अमाउंट मैंने अकाउंट्स पेबल के कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर की है और यहाँ पे मैंने साइन भी लगाया, ये देखो ठीक है, ये टोटल अमाउंट कंट्रोल अकाउंट में जाएगी और कौन सी साइड पे जाएगी अकाउंट्स पेबल के, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि जब हम चीज खरीदते हैं हमारी ऑन अकाउंट खरीदते हैं तो लाइबिलिटी बढ़ती है, लाइबिलिटी बढ़े तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जाके देखो मैंने कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 28,30,000 पोस्ट किया, ये मैं शो भी करवा देता हूं, ये देखो 28,30,000, ये देखो अकाउंट्स पेबल का कंट्रोल अकाउंट सामने आपके दिख रही है उसके क्रेडिट साइड पे अमाउंट। तो जनाब जब कंट्रोल अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं तो टोटल अमाउंट पोस्ट करते हैं, लेकिन जब इंडिविजुअल अकाउंट में जाते हैं, मैं परचेज बुक में वापस आ गई हूँ, जब इंडिविजुअल अकाउंट में जाना है तो ये इंडिविजुअल अमाउंट करनी, क्योंकि आपने टोटल अमाउंट 28,23,000 की पेबल के कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट की है तो इंडिविजुअल अकाउंट पेबल के भी क्रेडिट साइड पे ही जाएगी। आपके ब्रावो के क्रेडिट साइड पे 9,50,000 और मैंने 6,35,000 लिखा हुआ है और अल्फा एंड सन्स की क्रेडिट साइड पे 4,38,000 एंड 800,000 है, ये देखो हुआ क्रेडिट ही है, ये देखिए यहाँ पे आइए, ये देखो ब्रावो ट्रेडर्स की क्रेडिट साइड पे इंडिविजुअल अकाउंट में जिस कस्टमर जिस सप्लायर से जितनी चीज आपने खरीदी है उस सप्लायर के अकाउंट में उसी की रेलिवेंट अमाउंट जाएगी। तो मैंने ब्रावो से 9,50,000 और 6,35,000 की अमाउंट्स खरीदी थी, वो मैंने उनके अकाउंट में क्रेडिट की। अल्फा से मैंने 4,38,000 और 800,000 की अमाउंट्स को परचेज किया था, वो मैंने उनके अकाउंट में क्रेडिट किया, लेकिन इनका टोटल अकाउंट्स पेबल के कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आया। ठीक है, ठीक हो गया, और कोई क्वेश्चन बेटे? नो मैम, थैंक यू, वेलकम जी बेटे। हाफिज हामिद मैम, एन ओवर 30 के दोबारा बता दीजिएगा, दोबारा एक बार एन ओवर 30, चलें डिस्काउंट टर्म की तरफ वापस आते हैं। जी यहाँ पर डिस्काउंट टर्म, इस टर्म में दो पोर्शन है, फर्स्ट वन पोर्शन में न्यूमरेटर डिस्काउंट की परसेंटेज जिसको शो कर रहा है कि 5% डिस्काउंट मिलेगा और 5% डिस्काउंट अवेल करने के लिए हमें पेमेंट 10 डेज में करनी है, तो डिस्काउंट का टाइम पीरियड 10 डेज। एन स्टैंड कर रहा है नेट अमाउंट के लिए, अदरवाइज जितनी नेट अमाउंट हमारी बनती है जिस तरह हमारी एग्जाम्पल में 9,000 बन रही है वो फिर हमें पे करना है मैक्सिमम कितने डेज में पे करना है, मैक्सिमम 30 डेज में पे करना है, तो मेरा टोटल क्रेडिट टाइम पीरियड 30 डेज है। Yes, ma'am. ठीक है, अब हामिद ये आपने कल मुझे क्लास स्टार्ट होने से पहले ये क्वेश्चन नोट डाउन करवाना है, फिर मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगी, हमारे पास टाइम शॉर्ट है। ठीक है, ओके मैम, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।